एग्जांपल से मज़ीद समझते हैं। ये हमारे पास एक मेटल है, मेटल का एक पीस है जिसके अंदर इजीली मूव करने वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं, और इलेक्ट्रॉन के साथ साथ यहाँ पर हमारे पास होल्स भी हैं। ये कुछ होल्स भी हैं हमारे पास, जो कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव हो चुके हैं जब हम लोगों ने इसके साथ एक बैटरी को कनेक्ट किया। इसका मतलब है बैटरी हम लोगों ने इसके साथ कनेक्ट की हुई है। ये नेगेटिव टर्मिनल है और ये हमारा जो है पॉजिटिव टर्मिनल है। यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड ई भी है जो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जिसकी डायरेक्शन है। इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिव टूवर्ड्स पॉजिटिव है, ये इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन होगी, और ये हमारे होल्स की डायरेक्शन जो कि पॉजिटिव टूवर्ड्स नेगेटिव है। ये हमारे होल्स की डायरेक्शन है और ये इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन है। अब चूंकि ये बैटरी के साथ कनेक्ट है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, और इस पूरे के पूरे कंडक्टर मेटल के पीस के अंदर से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है। जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन जो है वो इस वायर के थ्रू यहाँ पर नेगेटिव टर्मिनल लोअर पोटेंशियल की साइड पर आ रहे हैं, तो किसी ना किसी स्पीड से, किसी ना किसी रफ्तार से ही आ रहे होंगे ना। और हमें पता है जब स्पीड के साथ हमारे पास एक डायरेक्शन भी दे दी जाए तो हम स्पीड को कहते हैं कि अब ये वेलोसिटी है, क्योंकि अब इसके साथ डायरेक्शन मेंशन कर दी गई है। हमें मालूम है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो नेगेटिव टर्मिनल की साइड पर मूव कर रहे हैं, यानी कि हमें डायरेक्शन दे दी गई, और वो जिस स्पीड से मूव कर रहे हैं इसका मतलब है अब मैं उस स्पीड को उनकी वेलोसिटी कह सकती हूँ। तो यहाँ पर एक बात और हमें पता चल गई कि इलेक्ट्रॉन जो है वो किसी ना किसी वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, और वो जो वेलोसिटी है जिसके थ्रू इलेक्ट्रॉन जो है इलेक्ट्रिक करंट के अंदर मूव करते हैं उसे हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं, और इसे VD से रिप्रेजेंट करते हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन जो है वो इस वायर के थ्रू इस नेगेटिव टर्मिनल के साइड पर मूवमेंट शो कर रहे हैं। आज हम इस ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में मालूम करते हैं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी है क्या। अगर कोई हमसे पूछे कि आप लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी बताएं, वो वेलोसिटी जिसके साथ आपके इलेक्ट्रॉन जो हैं इस मेटल पीस से नेगेटिव साइड पे मूव कर रहे हैं, या इस पूरे के पूरे इलेक्ट्रिक करंट के अंदर जो इलेक्ट्रॉन मूवमेंट शो कर रहे हैं उनकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी है, तो आज वो मालूम करना हमें सीखना है। अब जैसे इसको सीखते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी मालूम करने के लिए, मेरे पास जो है वो मेटल को मैंने दोबारा बना लिया। ये मेरे पास एक मेटल है, इस मेटल के अंदर जो है वो इलेक्ट्रॉन है, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन है, और ये बैटरी होगी। इस बैटरी के साथ मैंने इस मेटल को जो है कनेक्ट कर दिया। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ये है जो पॉजिटिव टूवर्ड्स नेगेटिव है, और इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारे पास, बल्कि ये हमारे पास नेगेटिव है ना, इसे नेगेटिव लिखना चाहिए और ये पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन जो है वो इस डायरेक्शन में मूवमेंट शो कर रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन आगे जी इस डायरेक्शन में। अब यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, ये नहीं कि सिर्फ एक या दो इलेक्ट्रॉन है, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर मैं कह सकती हूँ कि यहाँ पर जो चार्ज है इस पूरे के पूरे कंडक्टर के ऊपर, इस पूरे के ऊपर मेटल वायर के ऊपर, या जो भी पीस आपने मेटल का, कंडक्टर का, कुछ भी इस्तेमाल किया है, उसके ऊपर जो टोटल चार्ज है वो NE है, यानी कि जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उसका चार्ज है। इस पूरे के पूरे कंडक्टर के ऊपर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके जितने भी वो नंबर होंगे, दो हो सकते हैं, तीन, चार, पाँच, जितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, वो सारा का सारा चार्ज ही हो गया ना इस कंडक्टर के ऊपर। अब आप यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे होंगे कि पिछले जो डायग्राम है उसमें मैंने होल्स को भी दिखाया, लेकिन अब जो मैंने बनाई है उसमें मैंने होल को नहीं दिखाया, बल्कि सिंपल इलेक्ट्रॉन बनाए हैं। इसकी वजह ये है कि ये जो होल्स होते हैं जो पॉजिटिव पार्ट चार्जेस के तौर पर एक्ट करते हैं, ये इमेजिनरी पार्ट हैं, इमेजिनरी पार्ट हैं, ये इमेजिनरी होल्स होते हैं। ये होते तो हैं प्रेजेंट, लेकिन ये इमेजिनरी तौर पर होते हैं, इसलिए हम लोग इनको कंसिडर नहीं करते। और इलेक्ट्रॉन के अंदर अगर किसी मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट को दिखाना हो तो हम सिंपल इलेक्ट्रॉन बना देते हैं। जैसे कि आप लोगों ने जब आयोटा के बारे में मैथ्स में पढ़ा है तो आपको पता है कि आयोटा वाला जो पार्ट है वो इमेजिनरी होता है और उससे पहले वाला जो पार्ट है वो रियल होता है। सिमिलरली यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है वो रियल पार्ट है और जो होल्स हैं वो इमेजिनरी पार्ट है। इमेजिनरी पार्ट को हम लोग ज़्यादा कंसिडर नहीं करते, बल्कि अगर मोस्टली हमें सिर्फ इलेक्ट्रॉन की जो है वेलोसिटी बतानी है तो हम पूरे के पूरे कंडक्टर के अंदर जो है वो इलेक्ट्रॉन सिंपली इलेक्ट्रॉन बना देते हैं। या किसी भी कंडक्टर के अंदर आपने अगर उसके अंदर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन बताना है या फ्लो ऑफ करंट बताना है तो आप सिंपल यूँ इलेक्ट्रॉन बता देते हैं, तो उन्हें समझ आ जाती है कि यहाँ पर जो है वो इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं। और उन्हें यह भी मालूम होता है, जिसे आप एग्जामिनर को या जिससे भी इस तरह की डायग्राम बना के शो कर रहे हो, उन्हें मालूम होता है कि यहाँ पर होल अवेलेबल है, तभी तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है। होल चूँकि इमेजिनरी पार्ट है, इसलिए उसे मैंने इस डायग्राम में, जो नेक्स्ट मैंने बनाई है इसमें, मैंने उसे ज़ाहिर नहीं किया। और यहाँ पर जो टोटल चार्ज है उसे मैंने NE के इक्वल ले लिया। अब अगर मैं इस पूरे के पूरे कंडक्टर के अंदर फ्लो करने वाले करंट के बारे में बात करूँ, तो मुझे मालूम है कि करंट जो है
किसी भी कंडक्टर के बारे में अगर बताना हो तो उस कंडक्टर के अंदर से फ्लो करने वाला चार्ज और जितनी देर में वो चार्ज उस कंडक्टर के अंदर से फ्लो होते हैं, अगर मैं उन दोनों के रेशो ले लूँ तो मेरे पास जो है वो करंट आ जाता है। अब इस सिचुएशन में मेरे पास जो क्यू है, क्यू तो मेरे पास है एन ए, यानी कि टोटल नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन दैट मेटल। इस मेटल की पीस के ऊपर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स के नंबर प्रेजेंट है, जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं, 2, 3, 4, 5 जितने भी आपके पास लातादाद इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उन सबको यहाँ पर लिख लिया। और जितनी देर में वो इस कंडक्टर के अंदर से मूव कर रहे हैं इस वायर के अंदर ताकि इलेक्ट्रिक करंट पास हो सके, उस टाइम से मैंने इसे इस एन ई को डिवाइड कर दिया। तो ये मेरे पास यहाँ पर आ जाना चाहिए, यहाँ पे क्यू की जगह मुझे लिखना चाहिए था आई करंट, क्योंकि क्यू की तो वैल्यू मैंने एन ही पुट कर दी, तो ये मेरे पास करंट आ जाता है। जैसे कि आपको याद हो कि हम लोगों ने लास्ट चैप्टर्स में जहाँ पे स्टैटिक चार्जेस के बारे में बात की है, वहाँ पर भी हम लोगों ने डेंसिटी का जिक्र किया था, मगर हम लोगों ने उस सिचुएशन में सरफेस चार्ज डेंसिटी के बारे में बात की थी, क्योंकि हम लोग सिर्फ एक चार्ज से काम नहीं कर रहे थे बल्कि बहुत ज़्यादा चार्जेस होते हैं। आमतौर पे हम जिस डेंसिटी के बारे में बात करते हैं वो मास पर यूनिट वॉल्यूम होते हैं। हम किसी एक चीज़ की डेंसिटी के बारे में बात कर रहे होते हैं, यहाँ हम वाटर की बात कर रहे होते हैं, या हम किसी भी दूसरी चीज़ की डेंसिटी की बात कर रहे होते हैं जिसका मास हमें गिवन होता है, जिसका वॉल्यूम हमें पता होता है, तो हम जो है डेंसिटी निकाल लेते हैं। लेकिन अगर हमें किसी चार्ज शीट की, किसी चार्ज बॉडी की, किसी पार्टिकल की, किसी चीज़ की, अगर हम लोगों को, अगर आपके पास कोई चार्ज शीट है, कोई चार्ज बॉडी है, उसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी बतानी हो, तो चूँकि वो उसके अंदर सिर्फ एक चार्ज नहीं है बल्कि लातादाद चार्जेस हैं, जिसकी वजह से हम लोग सरफेस चार्ज डेंसिटी बोल देते हैं, जैसे कि स्टैटिक चार्जेस के बारे में हमने बोला था। सिमिलरली अब इस मेटल के पीस में भी बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर भी मैं डेंसिटी का वही वाला कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करूँगी, लेकिन यहाँ पर डेंसिटी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी। वहाँ पर चूँकि सरफेस के बारे में थी तो हम लोगों ने सरफेस चार्ज डेंसिटी कह दिया। अब इस सिचुएशन में चूँकि इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी के बारे में बात कर रही हूँ, तो मैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लिख लेती हूँ। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है इसे एम से रिप्रेजेंट किया जाता है, और ये जो है ये टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, जैसे कि पर यूनिट वॉल्यूम होता है। अब इसका वॉल्यूम क्या होगा? इसका वॉल्यूम तो ये होता है ना कि इस कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू इसकी जितनी भी लेंथ है, यानी ए इंटू एल जो है वो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गया, कि इतनी इसकी लेंथ है इस कंडक्टर की। तो अगर मैं लेंथ को इसके क्रॉस सेक्शनल एरिया से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो मेरे पास ये इस कंडक्टर का वॉल्यूम आ जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इस कंडक्टर के अंदर, डिवाइडेड बाय इस कंडक्टर का जितना भी वॉल्यूम है, ये हमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बता देता है। तो अब यहाँ पे अगर मैं इसे इस तरह से लिख लूँ कि अब यहाँ पे हमारे पास एन ई है और बी वॉल्यूम है, वॉल्यूम की जगह मैं ए इंटू एल लिख सकती हूँ, चूँकि वॉल्यूम जो है हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू लेंथ के प्रोडक्ट के इक्वल है, तो अब एन को मैं इस तरह से लिख सकती हूँ। अब जो मेरे पास फॉर्मूला था, फॉर्मूला ये था कि आई जो है वो एन ई क्यू डिवाइडेड बाई टी था, क्यू की जगह मैंने एन ई लिख लिया तो एन ई डिवाइडेड बाई टी हो गया। अब मेरे पास जो एन है, जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, वो कैपिटल एन डिवाइडेड बाई ए एल है। क्यों ना मैं इस एन की वैल्यू निकाल लूँ, जो कि वैल्यू आ जाएगी एन इज इक्वल्स टू स्मॉल एन कैपिटल ए इंटू एल, ये मेरे पास एन की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पर मैंने इलेक्ट्रॉन इसलिए लगाया क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट था, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एन ई लिखा था, अगर मैं खाली एन भी लिख दूँ तो वो भी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही है। अगर मैं इस चीज़ को यहाँ पर पुट करूँ तो अब मेरे पास जो करंट है उसकी वैल्यू आ जाएगी स्मॉल एन ए कैपिटल एल और कैपिटल ए इंटू ई डिवाइडेड बाई टी। तो अब ये मेरे पास जो है वो करंट की वैल्यू आ गई जो उस करंट में से पास हो रहा है। लेकिन अभी भी हमारा काम तो पूरा हुआ ही नहीं, हमें तो मालूम करनी है वी डी ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमें मालूम करनी है, जो मालूम करने के लिए हमें थोड़ा सा काम और करना पड़ेगा। ये हमारा वो कंडक्टर है जिसके अंदर से इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्लो कर रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन के फ्लो की वजह से करंट मूव कर रहा है, यानी कि इसके अंदर जो है वो चार्ज पार्टिकल है इस कंडक्टर के अंदर। अब हमने जैसे कि बात की कि ये जो लेंथ है ये एल है इस कंडक्टर की, और इलेक्ट्रॉन जो है वो इस लेंथ के, यानी कि इतना ही डिस्टेंस जो है ट्रैवल करके इस नेगेटिव या पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल की तरफ मूव करते हुए इलेक्ट्रिक करंट के बहाव को जो है जारी रखते हैं, इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को जो है कंटिन्यू रखते हैं। ये एल इस कंडक्टर की लेंथ है। हमने जैसे बात की कि करंट कुछ ना कुछ वक्त में ही पास होता है ना कुछ वक्त में कुछ ना कुछ चार्जेस जो है वो फ्लो करते हैं, तभी हमारे पास करंट की वैल्यू आती है। सिमिलरली ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इस एल से, यानी कि इतना फासला ट्रैवल करते हैं, तो कुछ ना कुछ टाइम टी में ही ट्रैवल करते होंगे ना। अगर मुझे एल मालूम करना हो तो मैं एल को ऐसे लिख सकती हूँ ना, जैसे कि आपने पढ़ा है एस इज इक्वल्स टू वी टी इक्वेशन के बारे में,
इसी तरह पे यहाँ पे जो हमारा डिस्टेंस है वो तो कैपिटल एल है, यानी कि इसकी लेंथ है इतनी, इसी लेंथ में से तो इलेक्ट्रॉन पास हो रहे हैं, तो मैं डिस्टेंस को एल लिख सकती हूँ। और वी जो है यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी है जिसके बारे में हमें मालूम करना है, और टी वो टाइम है जिसके दौरान इलेक्ट्रॉन किसी वेलोसिटी वी डी से, जिसे हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कह रहे हैं, उसके थ्रू लोअर पोटेंशियल या नेगेटिव टर्मिनल की तरफ मूव करते हैं। ये हमारे पास हाई पोटेंशियल और ये लोअर पोटेंशियल। अब अगर मैं इस रिलेशनशिप से टी की वैल्यू भी निकालूँ तो टी की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी एल डिवाइडेड बाई वी डी। क्यों ना मैं इस टी की वैल्यू को इस वैल्यू में पुट कर दूँ, इसी को ये नहीं कह देती हूँ ना, इसी को ये नहीं मैं पुट कर दूँ, ताकि मेरे पास कोई ना कोई करंट की वैल्यू के अंदर वी डी की वैल्यू तो आए, वी डी की वैल्यू आएगी इस एक्सप्रेशन के अंदर, तभी तो हम उसे निकाल पाएंगे ना। चले हम इसे पुट करके देखते हैं कि हम निकाल भी सकते हैं या नहीं। ये हमारे पास आई है, आई इज इक्वल्स टू स्मॉल एन ए एल ई डिवाइडेड बाई वी डी की, जब टी की जगह मुझे लगाना पड़ेगा एल डिवाइडेड बाई वी डी। तो अगर ये चीज़ मैंने यहाँ पर पुट करनी है तो इसे मैं अगर रीअरेंज करूँ तो ये कुछ इस तरीके से नहीं हो जाएगा कि ये एल इस एल से इधर ही कैंसिल आउट हो जाएगा और वी डी ऊपर आ जाएगा, यानी कि आई इज इक्वल्स टू एन ए ई इन टू वी डी। तो अगर आपके पास जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी गिवन हो, आपको आपके कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया भी पता हो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी पता हो और उनकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी पता हो, तब भी आप जो है करंट फाइंड आउट कर सकते हैं। ये हमारे पास इक्वेशन भी निकल आई और इसके थ्रू हम इजीली ड्रिफ्ट वेलोसिटी मालूम कर सकते हैं। तो अब हमारी जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ जाएगी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी आई डिवाइडेड बाय एन ए ई आ जाएगी। तो इस तरीके से जो ये हमारा फाइनल एक्सप्रेशन है, फाइनल इक्वेशन आ गई है, जिसके थ्रू हम लोग इलेक्ट्रॉन्स की ड्रिफ्ट वेलोसिटी मालूम कर सकते हैं, वो वेलोसिटी जिसके तहत इलेक्ट्रॉन जो है लोअर पोटेंशियल वाली साइड पे या नेगेटिव टर्मिनल की तरफ मूवमेंट करते हुए इलेक्ट्रिक करंट के जो है बहाव को जारी रखते हैं। इलेक्ट्रॉन चूँकि अब नेगेटिव टर्मिनल की तरफ मूवमेंट शो करते हैं तो जाहिर सी बात है वो किसी ना किसी वेलोसिटी के तहत तो करते होंगे ना, तो इसलिए हम लोगों ने ये वेलोसिटी फाइंड आउट की ताकि हमें पता चले कि कितनी स्पीड के साथ, कितनी वेलोसिटी के साथ हमारे इलेक्ट्रॉन जो है मूवमेंट करते हुए इलेक्ट्रॉनिक करंट को फ्लो कराते हैं, और उनके ऑपोजिट डायरेक्शन में जो है इमेजिनरी करंट, जो इमेजिनरी होल्स हैं, जो हमारे पॉजिटिव चार्जेस हैं, वो तो इमेजिनरी तौर पे वहाँ पे फ्लो कर ही रहे होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन और दो इमेजिनरी चार्जेस दोनों की वजह से जो फ्लो करने वाला इलेक्ट्रिक करंट है वो हमें पता चल जाता है। अगर हमें इलेक्ट्रिक करंट दिया हो, हमें जो है इलेक्ट्रॉन्स की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दी हो, उस कंडक्टर की जो डेंसिटी है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो हमें गिवन हो, उस कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया भी गिवन हो और उनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी पता हो, तो आप इजीली ड्रिफ्ट वेलोसिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं।